रानी अब तक उठी नहीं है। मायके में होती तो सुबह सुबह जग के काम पे भी लग गई होती। यहाँ पर नखरे तो देखो। क्यों याद दिलाया कुसुम? अब ऐसा लग रहा है कि नींद तो खुल गई लेकिन रात का बुरा सपना टूटा नहीं है। जब तक वो इस घर में है हमारी नजरों के सामने, तब तक इस घर का सुख और चैन दोनों गए भट्टे के भाव। उसे देख के अनदेखा करने की अब आदत डालनी पड़ेगी हमें। मान लो वो लड़की हमारे मार्बल की शोरूम में जो कांच है ना उसकी तरह है, सामने है लेकिन दिखती नहीं। और इसीलिए हम अपना नाक दे मारते हैं उस पे जाके और चोट हमी को लगती है। आंखें बंद कर लेने से ना ऐसे लोग टलते हैं और ना ही मुसीबतें। मां कुछ ना कुछ तो इलाज ढूंढना ही पड़ेगा ना इसका। हमें और नकुल को पता नहीं था ना कि तुझे क्या पसंद है, तो और तेरे घर वाले भी थक गए थे तो सो रहे होंगे, इसीलिए हमने सब कुछ मंगा लिया। क्या पसंद है तुझे इन सब में से? चॉकलेट मिल्कशेक। एक सेकंड, मलाई जम गई। और मुझे मलाई पसंद होगी तो? पता है हमें नहीं पसंद है तुझे। एक बार गुस्से में बोल दिया था कि तुझे हमें देख के वैसे ही उल्टी आती है जैसे दूध में मलाई आ जाए, तो याद है हमें। ये आराम से बैठ के पी ले, हम नकुल के रूम में फ्रेश होने जा रहे हैं। अब माँ का फोन आ रहा है तेरी, और ऊपर बालकनी में जाके बात कर ले, दिख भी जाएंगी वहां से। सर बेटा तू ठीक है ना? पता नहीं दादी। चल शुक्र है तूने ना तो नहीं कहा। जब निश्चित जवाब ना हो ना तब अच्छे जवाब की उम्मीद बनी रहती है। दी आपको पता है हमने आपको बहुत मिस किया। माँ ने चॉकलेट मिल्क बना कर दिया था पर हम में से किसी ने नहीं पिया। उसका मजा तो साथ पीने में आता था ना। अरे आपको वहाँ भी? ये किसने बना के दिया था? यू कान्हा ने, मतलब उसने बनाया नहीं बनवाया है मेरे लिए, और भी बहुत कुछ बनवाया है, चाय कॉफी जूस ग्रीन टी। बोल रहा था उसे पता नहीं सुबह उठ के क्या पीती हूँ इसलिए। हाउ स्वीट दीदी। चलो अब जल्दी से पी लो नहीं तो पेट में गुड़गुड़ होने लगेगा। बैठिए भाई। तो नाश्ता कर लो।
जबरदस्ती कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो मन करे वो करो, जिसका मन ना करे वो मत करो। सुशीला, नए मेहमान के लिए मेहमानों वाली चांदी की थाली लेके आ, और खाना हो जाने के बाद वो थाली रसोई में नहीं जाएगी, उसे धोके मेज पे ही रख देना। ना वो थाली रसोई में जाएगी और ना नया मेहमान। समझ गई तुम? जा रहे हैं, आप नकुल के साथ आ जाना। दादाजी, धनराज अंकल, नकुल प्लीज ऐसे भूखे पेट मत जाइए ना। बेटा भूखे पेट कहां जा रहे हैं? तुम्हारी सास के तानों से पेट भर गया, और बेटा तुम भी वही खाना जहां तुम्हें खाता देख खिलाने वाले की आत्मा को तृप्ति हो। इंदू भाभी का भी फोन आया था, तुम्हें और काना को पग फेरे की रस्म के लिए आमंत्रित किया है उन्होंने, लेकिन हमने तो उन्हें कह दिया कि भाई ये तुम्हारा घर है, जब चाहे आओ जब चाहे जाओ, किसी की इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। आइए बाबूजी। अरे पगली सीधे अंदर आ गई। हाँ, आरती उतारने नहीं दे रही। देख कितनी सुंदर लग रही है ना रश्मि दी। बहुत प्रिटी। क्या बात है बेटा, माँ से ऐसे क्यों चिपकी हुई है? थोड़ा दूर तो हो जा, हम भी तो देखे कि हमारी बच्ची इस पग फेरे के जोड़े में दिख कैसे रही है। नहीं, कुछ नहीं देखना दिखाना है, अभी सिर्फ गले लगे रहना है। और मुझे अलग होने के लिए मत कहिए, मुझे मुझे बस ऐसे ही रहने दीजिए अपने पास, एकदम पास। तू ठीक तो है ना बेटा? कुछ हुआ है क्या वहां? मां बार बार क्यों पूछ रही है? मैं ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ। नहीं, कुछ तो हुआ है जो तुम हमें नहीं बता रही। कुछ कहा है क्या उन्होंने? नए मेहमान के लिए मेहमानों वाली चांदी की थाली लेके आ, और खाना हो जाने के बाद वो थाली रसोई में नहीं जाएगी। प्लीज माँ, आप लोग उन लोगों को ब्लेम मत कीजिए। उनकी नफरत, उनका गुस्सा, उनकी नाराजगी, जिंदगी में पहली बार इन सबको सोच के गुस्सा नहीं आ रहा है। जायज नहीं पर महसूस कर सकती हूँ, समझ सकती हूँ कि उन्हें कैसा फील होता होगा। पहले बरसों पुरानी नफरत, फिर बेटे की इज्जत, उसकी मौत और उसकी सारी जिम्मेदारियों को संभालता हुआ उनका दूसरा बेटा। जो एक्सपेक्ट किया था वो तो हुआ ही नहीं, उनके सबसे कुछ नहीं हुआ, तो फिर मैं कैसे उम्मीद लगा सकती हूँ कि मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे वो भी इतनी जल्दी? उन्होंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा इतने बड़े बड़े झटके लगे हैं, वो भी किसकी वजह से? उस लड़की की वजह से जिससे वो बरसों से नफरत करती आई है। और आपने भी कहा एक्सपेक्ट किया होगा दी, कि शादी के पहले दिन वो आपके साथ ऐसे। रश्मि, जब लाइफ से जो एक्सपेक्ट किया है वो ना मिले
तो किसी इंसान से क्या एक्सपेक्टेशंस रखना। दुख मुझे सिर्फ इस बात का है कि उनका एक बेटा वैसे छिन गया उनसे और दूसरा बेटा ऐसे छिन जाएगा। माँ नाराज होती है तो भी वो माँ ही रहती है सयू। हम जानते हैं गुस्सा बहुत कुछ भस्म करता है, लेकिन माँ का प्यार कभी नहीं। तुम देखना, आज नहीं तो कल दीदी को अपने इस बेटे पे बहुत गर्व होगा। वो माँ बेटे के बीच की बात है इंदु, हमारी सयू से इस तरह बात करने का उसे कोई हक नहीं है। नहीं दादी, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। और अगर कभी उन्होंने मुझसे ऐसी कोई उल्टी सीधी बात की जो मेरे दिल को चुभ जाए तो मैं उन्हें उल्टा जवाब दे सकती हूँ, पर मैं दूंगी नहीं। उनसे कभी बदतमीजी नहीं करूंगी माँ, क्योंकि मेरे माँ बाप ने बचपन से मुझे यही सिखाया, यही सीख दी है ना। ये अब थोड़ा शांत हो जा, मैं मैंगो शेक लाती हूँ। नहीं पियो। सब इसकी वजह से बिना खाए चले गए, आज ये दिन भर भूखी रहेगी। खाना क्या, पानी की एक बूंद भी गले के नीचे नहीं उतरनी चाहिए। मेरी वजह से उस घर के सारे लोग भूखे हैं, तो मेरे गले से कैसे खाना उतर सकता है। व्रत रखोगी तुम? नहीं दादी, मन और मान मेरी माँ का भी और जिसके लिए रसम है उसकी माँ का भी। मैं ठीक हूँ माँ। क्या जरूरत थी उसके दिमाग में ये व्रत वाली बात डालने की? बच्चे की तबीयत के बारे में तो सोचती पहले। एक तो थकी हुई है, परेशान है, सुबह से भूखी प्यासी बैठी हुई है। ये कान्हा अभी तक क्यों नहीं आया? उसे पता तो है ना? सयू, तूने कान्हा से पूछा कब तक आ रहा है वो? फोन करके पूछ तो लेना बेटा। माँ, हम पूछ लेते हैं ना। नहीं, आज सुबह नाश्ता छोड़ के चला गया था तो सरोज आंटी इतना गुस्सा हो गई थी। अब काम आधा अधूरा छोड़ के आएगा ना तो गुस्से के साथ ना उन्हें तकलीफ भी होगी, इसलिए मैं नहीं चाहती वो ऐसे आए। जब उसको सही लगेगा वो खुद आ जाएगा, और नहीं भी आया तो क्या फर्क पड़ता है, मैं अकेली चली जाऊंगी, कौन सा अपनी दूर जाना है। बात दूरी की नहीं है बेटा, बात रस्म की है, और वो तब तक पूरी नहीं होगी जब तक दामाद को हम खिलाएंगे नहीं और वो तुम्हारा मुंह झूठा नहीं करेंगे। काना, अरे तुम अभी तक यहीं पे हो? हाँ, ऑफिस ही तो आने वाले थे ना, ये बाकी मेल्स वगैरह भेजने थे। जो पापा कोई काम था तो हमें बता दीजिए, हम कर आते हैं। ये भगवान, हम इतनी बड़ी गलती कैसे कर गए? क्या हुआ पापा, बताइए तो सही। अरे कान्हा, सुबह तुम्हारे जाने के बाद हमने सयूरी को बता दिया था कि उसे पग फेरे की रस्म के लिए मायके जाना है, हम तुम्हें कहना भूल गए, उसका कॉल भी नहीं आया। नहीं, लेकिन इसमें परेशानी की क्या बात है, हम अभी चले जाएंगे। अरे बेटा, वो तुम्हारी राह देख रही होगी सुबह से। नहीं, वो अपने घर वालों के साथ शांति से बैठी होगी। कान्हा, भूखा प्यासा कोई शांति से बैठ सकता है? भूखा प्यासा मतलब? बेटा देखो, इस रस्म में ऐसा होता है कि जब तक तुम उसके वहां जाकर खुद नहीं खाओगे और उसका मुंह झूठा नहीं करोगे तब तक वो अपना व्रत नहीं खोल सकती। ओह माय गॉड, मतलब आज भाभी का व्रत है, किसी ने ये सुबह क्यों नहीं बताया? रिया, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया मतलब डेफिनेटली उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, हमें अभी जाना होगा। यार बेहोश मत हो जाना सयूरी, प्लीज, हमारे। हाँ
दर्द है कि जीने नहीं देता और फर्ज है कि मरने नहीं देता, चाहे जो भी दिल मेरा, जमाना वो करने नहीं देता। भाभी को क्या हुआ? कुछ नहीं, वो पग फेरे का व्रत रखा था ना, सुबह से कुछ खाया नहीं है तो वीकनेस आ गई थी, अब खा लिया उसने, ठीक हो जाएगी। तबीयत ठीक नहीं है ना, हम उसे ऊपर तक छोड़ के आते। काना, चलो। चाहिए क्या तेरे को? वो चॉकलेट मिल्क शेक लेके आएंगे। तो नीचे जा, मां अंजलि है, मैं ठीक हूं। हमेशा के लिए ये दोस्ती कभी तोड़ोगे तो नहीं ना? तुम्हारा दिल तोड़ा है, दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे, कभी भी नहीं। तोड़ेंगे और नहीं भरोसा। सयूरी, सयूरी कैसी है? वैसे तो पूछना फॉर्मेलिटी होगा क्योंकि उसकी हालत भी देखी है मैंने। खाना, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम दोनों कितनी तकलीफों से गुजरे हो, कितनी हिम्मत दिखाई है तुम दोनों में, लेकिन तुम्हारा स्ट्रगल अभी खत्म नहीं हुआ। अंदर बाहर बहुत सी लड़ाइयां लड़ना अब भी बाकी है। सॉरी, मैं जाकर भी अब पूरी तरीके से तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगी क्योंकि वो हक पता नहीं अब तुम मुझे दोगे भी या नहीं।
हर दोस्त हूँ मैं तुम्हारी और सयूरी की भी और हमेशा रहूंगी। तुम बस अपना ख्याल रखना खाना और सयूरी से भी कह देना उसको कभी भी मेरी जरूरत होगी ना मैं हूं। थैंक यू अंजलि, थैंक यू सो मच। लेकिन सयूरी का ख्याल अब हम रखेंगे, यही तो काम है। अब सयूरी का ख्याल रखना, उसकी खुशी का ख्याल रखना, उसकी जरूरतों का ख्याल रखना, हर बात का ख्याल रखना, यह हमारी जिम्मेदारी है और यह जिम्मेदारी मर्द दम तक निभाएंगे हम। शिकायत नहीं है मुझे सयूरी, बिल्कुल नहीं है। किस्मत से शिकायत है जिसने हम सबको धोखा दिया, तुमको, मुझको, काना को। उससे तो सच कह ही नहीं पाई, लेकिन तुम्हें बताना चाहती हूं जो उसके सामने मैंने समझदारी दिखाई, जो हिम्मत दिखाई, वो सब झूठ है। मैं ठीक नहीं हूं सयूरी, मैं ठीक नहीं हूं। बहुत तकलीफ हो रही है मुझे इस सच से। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। I'm sorry। मेरा सच सुनकर मैं तुम्हें भी हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन बताना चाहती हूं तुम्हें मैं किससे कहूं कि मुझ पर क्या बीत रही है, क्योंकि जिसे सब कुछ बता दी थी काना, वो बेचारा तो ऑलरेडी इतनी गिल्ट में है कि अपनी तकलीफ बताकर उसे और गिल्ट में नहीं डालना चाहती मैं। और मैं जानती हूं कि तुम भी तकलीफ में हो, अपना दुख दिखाकर तुम्हें भी और तकलीफ नहीं देना चाहती, लेकिन देखो ना मेरे आंसू एक के रुक ही नहीं रहे। मैं तुम्हें समझ सकती हूँ अंजलि। मैं भी तुम्हारी सिचुएशन समझती हूँ सयूरी। हम सबके साथ ये जो हुआ है, ये ना ही हमने सोचा था, ना ही चाहा था, फिर भी बस हो गया। पता ही नहीं चला कि कब क्या बस ये होता चला गया अंजलि। और इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। देखो ना, मुझसे मेरा सबसे प्यारा रिश्ता छिन गया और तुम्हें इस मजबूरी के रिश्ते में जुड़ना पड़ा। I'm so sorry अंजलि, I'm so sorry, मुझे माफ कर देना। माफी मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। नहीं, तुम मुझे माफ कर दो सयूरी। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, तुमने कुछ भी नहीं किया। तुम प्लीज माफी मत मांगो। जो हुआ उसके लिए नहीं, जो मैं कभी नहीं कर पाऊंगी उसके लिए सयूरी, मैं कभी काना से प्यार करना छोड़ नहीं पाऊंगी। मैं समझ नहीं आ रहा, अंजलि ने ना सिर्फ हमारी बात सुनी बल्कि समझी भी। भाई अगर आप बुरा ना माने तो हम कुछ कहे वो पता नहीं, ये जो कुछ भी हो रहा है ना हमें रियल नहीं लग रहा। मैं जानती हूँ तुम उसकी वाइफ हो और मैं तुमसे ये सब कह रही हूँ, लेकिन क्या करूँ। चाहती तो झूठ भी बोल सकती थी, लेकिन नहीं कहना चाहती झूठ, क्योंकि अगर आज मैंने तुमसे सच नहीं कहा ना तो शायद फिर कभी तुमसे नजरें ना मिला पाऊँ। काना मेरा पहला प्यार है, मैंने अपनी सारी जिंदगी के सपने सिर्फ उसके साथ देखे और अपना पहला प्यार
कभी कोई नहीं बुला पाता, है ना? अगर कोई लड़की आपसे बात करना तो दूर आपकी तरफ देखती भी थी ना, तो ये अंजलि जाके उसे धमका कर आती थी, और आज इतनी बड़ी बात हो गई पर फिर भी वो चुप थी। अब हो सकता है वो बदल गई है, समझदार हो गई है, पूरी सिचुएशन को मैच्योरली हैंडल किया, पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसके मन में कुछ और है और वो दिखा कुछ और रही है। क्या बोल रहा है तू, कोई फिल्म थोड़ी चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, चुपचाप सो जा। तुमने और मैंने अपना अपना प्यार खोया है, काना का क्या? उसने अपने प्यार के साथ साथ अपने भाई को भी खोया है, और उसकी इच्छाओं का मान रखने के लिए खुद को भी खोया है। लेकिन अंजलि, मैं तुम्हें तुम्हारा प्यार लौटा के रहूंगी। तुम्हारा काना तुम्हें वापस लौटाऊंगी, क्योंकि मेरी और काना की शादी समझौते की शादी है, प्यार की नहीं। और आज नहीं तो कल ये समझौता हम दोनों को खलने लगेगा, काटने लगेगा। मेरा प्यार तो हमेशा के लिए छिन चुका है, लेकिन तुम्हारा और काना का प्यार तुम इसे वापस पा सकती हो, एक हो सकती हो तुम लोग। अरे, तीन लोगों में से अगर दो लोग साथ रह के खुश रह सकते हैं तो तीनों का दुखी रहने की क्या जरूरत है? देखो, तुम सब मुझ पे छोड़ दो, मैं हूं ना, तुम मुझे एक महीने का वक्त दो, बस मैं सब ठीक कर दूंगी। एक बार मेरी माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी, उन्होंने उनकी थोड़ी परेशानियां कम हो जाएंगी, तो मैं ये रिश्ता, ये शादी, ये पूरा घर सब छोड़ के चली जाऊंगी। रो मत, सयूरी। थैंक यू अंजलि, मेरे मन से इतना बड़ा बोझ उतारने के लिए। वापस जा सकती हूँ, प्लीज। यूरी, ओ रब्बा, ओ रब्बा, ओ रब्बा, दिल है नादान, ओ रब्बा, ओ रब्बा, ओ रब्बा। एक बात बोलूंगी तो मानेगा? मेरा ख्याल रखते रखते अपनी खुद की माँ से दूर मत हो जाना, उनका दुख ना हम सबसे बड़ा है। वो पहले ही अपना एक बेटा खो चुकी है, दूसरे बेटे को दूर होते हुए देखे ना, ये डर ना उनको उनको खाए जा रहा है। प्लीज मेरी साइड मत लिया कर, तू हमेशा उनकी साइड लिया कर, प्लीज काना। वो गलत हो तब भी, काना माँ गलत हो के भी सही होती है, क्योंकि उसके मन में बच्चों का ख्याल होता है, उनकी फिक्र होती है, उनके भले के बारे में सोचती है। और जब तू ऐसे मेरी साइड लेता है ना, तो उन्हें तकलीफ होती है कि उनका खुद का बेटा उनके खिलाफ हो रहा है। पर सोच के देख, मैं तेरी साइड लेता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके खिलाफ जाना चाहता हूँ। ये लाइफ है, कोई स्पोर्ट्स नहीं जिसमें दो में से एक टीम को सपोर्ट करना है। मैं तुम दोनों को सपोर्ट करूंगा, तुझे और माँ को भी, क्योंकि तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी हो। सॉरी। आंखों में।
ये क्या कर रहे हैं आप? बीप साले कूट कूट कर घर चलता है ना तेरा, खुद भी कुछ करती थी या सिर्फ गले में टैग डालकर स्कूटर पे घुमा करती थी? इस घर में ये नहीं चलेगा, मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ने देंगे तुझे हम। आज तेरी वजह से हमें तकलीफ हो रही है, तुझे भी ये तकलीफ भुगतनी पड़ेगी। जरा देखे तो तेरे नाम के मसाले कितने महीन होते हैं। पापा कहते थे नफरत को आंसुओं से कमजोर धोते हैं, बहादुर उसे अपने प्यार से चमकाने की ताकत रखते हैं। मेहनत लगती है उसमें, टाइम भी लगता है, लेकिन जीत भी उसी में है। कोई काम है बता दीजिए, मैं कर दूंगी। बिरजू जी। माँ जी, कपड़ों पे ना मैल छूटना चाहिए ना साबुन। मम्मा, दादी, दी को हमारी जरूरत है। आपने अपनी बहनों को तो यहाँ आने से रोक लिया, हमें कैसे रोकेंगे? हम तो इसी घर के। रहने दे नकुल, मैं कर लूंगी, तो परेशान मत हो, तू जा। हमें परेशानी ना, आपको परेशान देखकर होती है। बाकी कोई चीज हमें परेशान नहीं कर सकती, करने दीजिए हमें आपकी मदद। बिल्कुल,
चल। सच में बोर हो रही थी या किसी ने कुछ कहा तुझसे? मैं सच में बोर हो रही थी, वो भी बहुत ज्यादा। अब इस बात को यही खत्म करना, ओके? दर्द इंसान को अकेले रहकर बोर नहीं होने देता, ये बात तो हम जानते हैं सहयुरी। बात ये नहीं है, कुछ और है। आप सयूरी को अपनी बहू तो मानती नहीं है, तो उसके साथ सास जैसा क्यों बिहेव कर रही है? आप ही ने कहा था ना उसे कपड़े धोने के लिए? आपने हमारी बात का कोई जवाब नहीं दिया, नाराज नहीं हुई, कोई सफाई नहीं दी, गुस्सा नहीं किया। इसका मतलब यही है कि हमारी बात सही है। आप ही ने कहा था ना उससे, कपड़े धोने के लिए घर में वॉशिंग मशीन है, बाकी कामों के लिए और लोग हैं, और फिर भी कुछ हो तो आप हमसे कहिए, उसे परेशान करने की जरूरत नहीं है। हम ऑफिस जा रहे हैं, फाइल्स लेने आए थे। मार डाल और कर ले अपना कलेजा ठंडा।
हम भी नहीं जीना चाहते, ये रोज रोज तिल तिल मरने से तो अच्छा है एक ही बार में मर जाए। हम हमारे एक बेटे को तो खा गई, दूसरे को हमारे खिलाफ कर दिया, तीसरे को अपनी तरफ कर रही है, हमारे पति हमारे ससुर हमें समझने को तैयार नहीं है, अब बच्चा क्या है? ये हवेली, ये झांक, ये भी ले ले और खत्म कर दे सब कुछ, हम भी नहीं जीना चाहते। अब थक गए हैं रोज रोज की दुख और तकलीफ से, हम भी दिल दिल जीना नहीं चाहते, मार डाल और सब कुछ खत्म कर दे। उठा चलो, दूसरे को हमारे खिलाफ कर दिया, तीसरे को अपनी तरफ कर रही है, हमारे पति हमारे ससुर हमें समझने को तैयार नहीं है, अब बच्चा क्या है? सयूरी को लेकर परेशान है, क्या परेशानी है बेटा? हम उसे हमारे घर का हिस्सा बनाना चाहते हैं, लेकिन माँ उनका दर्द उनका गुस्सा वो भी हमसे छुपा नहीं है, लेकिन हम ऐसा क्या करें कि उनका दर्द कम हो जाए, उनके दिल से वो गुस्सा निकल जाए? देखो बेटा, ये गुस्सा नफरत दर्द जो कुछ भी कहो हमारे कहने से कम नहीं होगा। बेटा ये ऐसे जख्म है जिसका मरहम भी उसी के पास है, लेकिन तुम्हारी माँ अपने ही नाखूनों से इन घावों को दिन रात कुरेदती रहती है। उसे ये लगता है कि ऐसा करने से उसकी ममता रिश्तों के प्रति उसका प्यार साबित होता है। लेकिन माँ को कुछ भी साबित करने की जरूरत ही नहीं है, हम सबने देखा है कि वो चिरू भैया से कितना प्यार करती थी, कुसुम दी से कितना प्यार करती थी, उनका कितना ख्याल रखती थी, आपका और दादू का कितना ख्याल रखती, आपकी कितनी इज्जत करती, और तो और सयूरी के लिए नफरत भी सबके सामने है, किसी से छुपी नहीं है। यही तो बेटा, ऐसी ही है तुम्हारी माँ, वो बुरी नहीं है, लेकिन बेटा वो जो कुछ भी करती है हद पार करती है। अगर किसी से प्यार करती है तो हद पार, और अगर किसी से नफरत करती है तो भी हद पार। अगर ऐसे ही चलता रहा ना पापा, तो हम चिरू भैया से किया गया वादा पूरा नहीं कर पाएंगे। हम कभी सयूरी और माँ के बीच की दुश्मनी नफरत खत्म ही नहीं कर पाएंगे। बेटा यही तो चुनौती होती है एक शादीशुदा आदमी के जीवन में, माँ और पत्नी के बीच बैलेंस कैसे करना है। बेटा जब तुम्हारी माँ हमसे शादी कर इस घर में आई थी, उस वक्त हमारी अम्मा तो छा चुकी थी, इसलिए हमें इन सबका सामना नहीं करना पड़ा, मगर तुम्हें करना होगा। और बेटा ये आसान नहीं होगा, क्योंकि औरत की अग्नि परीक्षा सब देखते हैं, मगर एक आदमी का दिन रात का संघर्ष किसी को दिखाई नहीं पड़ता। क्या सोच रहे हो बेटा? यही कि भैया से किए गए वादे के सामने किसी चुनौती को खड़ा नहीं होने देंगे हम। तुमसे यही उम्मीद थी काना बेटा, आप हमारे साथ हैं ना हमेशा। Thank you.
Oh my God! Don't tell me आपको कोई लड़का देखने आ रहा है आज। दी आप कितनी प्यारी लग रही हो। कोई पागल ही होगा जो आपको देखकर पागल नहीं होगा। नकुल हम नहीं चाहते कि रिश्ता तय होने तक ये बात तुमसे आगे बढ़े। हम नहीं चाहते कि किसी की नजर लगे। किसकी बात कर रही आप? भाई और भाभी, भाई और भाभी की कभी नजर लग सकती है दी को? हमें ज्यादा ज्ञान मत दो नकुल, जो कहा है वो करो। नकुल, छोड़ो, लीजिए मिठाई लीजिए। सयूरी आओ ना। नमस्ते। जी ये सयूरी हमारी वाइफ। Hi, nice to meet you. Pleased to meet you too. Please बैठिए ना आप। Thank you. Thank you. Thank you. शायद आज माँ का दिल पिघल जाए सयूरी के लिए। आपकी बहू तो बहुत ही सुंदर है। I'm totally agree with you, mom. मतलब आगरा में ताजमहल के बाद अगर कोई सुंदर देखा है ना तो इनको। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कितनी प्यारी और कितनी सुंदर है। हाँ बाप, बहुत प्यारी बच्ची है हमारी। काश ये आपकी बहू नहीं बेटी होती तो हम तो चट मंगनी और पट ब्याह करा देते हमारे बेटे के साथ। ऐसे सिर्फ हमारा बेटा ही नहीं, कोई भी लड़का इनसे शादी करने के लिए तुरंत हाँ कह दे, क्यों है ना? अब ऐसी बातें क्यों कर रही है? देखिए दीदी और सयूरी दोनों अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। नहीं नहीं बेटा, वो तो मुंह से ऐसे ही निकल गया। और सुंदर को तो सुंदर ही कहेंगे ना। And I must say, you are a lucky man. आंटी, सुंदरता सिर्फ चेहरे से नहीं होती, बल्कि सूरत और सीरत का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि कुसुम दी है। खूबसूरती के साथ साथ बहुत अच्छे गुण भी हैं इनमें। ऐसी लड़की ना आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। उस हिसाब से तो मैं कहना चाहूंगी आपका बेटा लकी है, बल्कि बहुत ज्यादा लकी है, क्योंकि कुसुम दी सुंदर तो है ही, बल्कि बहुत संस्कारी भी है। कुसुम दी को घर परिवार रिश्ते संभालना बहुत अच्छे से आता है, एकदम एक्सपर्ट है। और जब खाना बनाती है ना तो लोग उंगली चाटते रह जाते हैं। माँ ने इन्हें बहुत लायक बनाया है। पढ़ी लिखी के साथ साथ अच्छे संस्कार दिए हैं, फैमिली वैल्यूज सब कुछ है दी में। इन माय ओपिनियन ये गुण दहेज दे के या लेके भी नहीं मिल सकते हैं। आई नो लुक्स मैटर करते हैं, पर सिर्फ लुक्स को देखेंगे ना तो धोखा खा सकते हैं, क्योंकि आज हैं कल नहीं हो लुक्स, लेकिन जो अच्छे संस्कार होते हैं वो हमेशा साथ रहते हैं और उससे आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। बस वैसी है हमारी कुसुम दी। चलो यहाँ से, हमें लगता नहीं हमारा कोई रिश्ता जुड़ेगा इनके साथ। I'm so sorry अंकल, I'm so sorry, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि। अब बचा ही क्या है कहने को? लड़की वाले लड़के वालों के सामने अगर रिश्ता जुड़ने से पहले ही इतना मुंह खोल रहे हैं, फिर शादी के बाद न जाने क्या? ये क्या बात हुई? वही तो पूछ रहे हैं, ये क्या बात हुई? चल मोहित, इनसे बहुत अच्छे रिश्ते हैं तेरे लिए। हाँ ठीक है, जाइए।
जो लोग ज्यादा सफाइयां देते हैं ना, वो लोग कुछ ना कुछ ढकनियां छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब बेटर यही होगा कि आप चले जाइए, इससे पहले बात बर्दाश्त के बाहर हो जाए। कान्हा क्या कर रहा है तू? चुप भाई साहब, अब बैठे ना बहन जी, आप बैठे ना। क्या करेंगे यहाँ बैठ के? हमें ऐसे लोगों के घर में अपनी बहन का रिश्ता करना ही नहीं है जिनकी सोच ऐसी हो। अब क्या सुनना रह गया जी, चलिए अभी। बहन जी, भाई साहब, आप छुआ वो लोग चले गए, वरना बाद में पछताना पड़ता। काना चुप। अपने इस सुंदर बीवी से कह कि जो लोग हमें देखने आए थे ना, वो हमें रिजेक्ट करके चले गए। शांति मिल गई तुझे, मिल गई तुझे शांति, बोल यही चाहिए था ना तुझे? मुझे वो लड़का बहुत पसंद आया था और उन्होंने भी हमारा फोटो देखकर इंटरेस्ट भी दिखाया था। मां सही कहती है, तू बहुत मनुष्य है, तू बहुत मनुष्य है। तेरा साया जिस किसी पे पड़ेगा ना, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरे भाइयों की जिंदगी तूने बर्बाद कर दी और आज तूने मेरी भी खुशियां छीन ली है। मैं तुझसे बहुत नफरत करती हूँ सयूरी, मैं तुझसे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ।